हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस, राइट। और आज हमारी क्या है, आज हमारी है क्लास टू, राइट। क्लास वन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो क्लास वन को अच्छे से देखिए, उसमें पूरा इंट्रो पार्ट है, ठीक है, उसको अच्छे से समझिए और फिर क्लास टू को देखिए। लेकिन सबसे पहले उसके पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने क्लास वन में किया है। जिन्होंने क्लास वन ऑलरेडी देख रखी है उनके लिए फाइन। तो यहाँ पर देखते हैं टेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जिससे किसी भी कार्य के घटित होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं या फिर काल कहते हैं। वो घटना एक्शन कब हो रहा है, क्या टाइम है, ठीक है, उसे हमें पता चले तो हम क्या कहते हैं, टेंस या फिर काल कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, टेंस इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिवील्स द टाइम एट विच द एक्शन हैज हैपेंड, ठीक है, किस टाइम पे कौन सी घटना हुई, तो वो जो इससे हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। बहुत ही क्विकली रिविजन करेंगे तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन से हैं। यस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस होते हैं। और इनको कितने भागों में बांटा गया है, यस, चार भागों में बांटा गया है। इसको हमने डिटेल में जो है क्लास वन में ऑलरेडी कवर कर रखा है, फाइन। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो टोटल कितने हो जाते हैं टेंस, हमें कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं, ठीक है। घबराइए मत, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बाप रे इतना सारा नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, सेकंड क्या होता है, पास्ट टेंस, और थर्ड क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, जैसा हमने कहा चार भागों में बांटा गया, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल हिंदी में जो होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी फोर पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी फोर पार्ट्स होते हैं, फाइन। तो हमें कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अबाउट प्रेजेंट टेंस, फाइन। तो प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं क्या होता है, वह क्रिया या घटना जो वर्तमान में घटित हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब जो अभी हो रहा है, जो भी घटना इसी समय हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है, वर्तमान काल है। आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, आप कह सकते हो मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ तो वो क्या है, वर्तमान काल है ना। एग्जाम्पल सीखते हैं कुछ प्रेजेंट टेंस के उदाहरण, राम गोज फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है, ठीक है। टूडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। या फिर वाई डज हमारे साथ क्यों रहता है, या फिर आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो ये सारी घटनाएं हमें, जो वाक्य पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, राइट। तो ये सब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के प्रकार देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया कि प्रेजेंट टेंस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, यस, चार भागों में बांटा गया है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सबसे पहला क्या होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, वो क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाइन, पूर्ण वर्तमान काल। और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। तो अगर हम अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और कितने टाइप हो गए, इनडेफिनिट, सिंपल जिसे कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चार प्रकार होते हैं, फाइन। तो अभी देखिए हमने क्या बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं, चार प्रकार होते हैं। तो उसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, जो घटना अभी घटित हो रही है और निश्चित नहीं है, उसका समय निश्चित नहीं है वो कब तक होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या लेते हैं, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो घटना का समय निश्चित नहीं है, जो अभी प्रेजेंट में घटित हो रही है,
बार बार होगी, कब तक होगी हमें नहीं पता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो घटना अभी हो रही है, घटित हो रही है और भविष्य में भी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आ गया तो डरने की बात नहीं है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जो अभी हो रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा, ऐसी घटनाओं को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको क्या पता चल रहा है, जो हो चुका है, ठीक है, जो घटना अभी हाल ही में हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो घटना अभी अभी घटित हुई है उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ये हो चुका, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, ये अभी हो चुका, मैं जा चुकी, मैं पढ़ा चुकी, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, यस, जो कि घटना पास से हो रही है और वर्तमान में भी जारी है, जो पहले से हो रही है और वर्तमान में भी जारी है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अनिश्चित काल होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं, जो घटना अभी घटित हो रही है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार, व्हेन द वर्ब डिफाइंस और डिनोट्स एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, जो एक्टिविटी अभी प्रेजेंट में चल रही है उसके टाइम का हमें पता चलता है, ठीक है, कोई रेगुलर इवेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो वो वर्ब डिनोट करता है, दैट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, मतलब जिस फॉर्म में वर्ब होता है वो जो पूरी घटना है उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे कि अगर इसको समझने के लिए ना बहुत ही इजी सी ट्रिक है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, राइट। जैसे कि राम घूमता है, ठीक है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या ता ती ते आ रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उसके साथ एस या यस लगा होगा, नहीं भी हो सकता है और लगा भी हो सकता है, साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, यस, करता, जो काम कर रहा है। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है उसके साथ उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट जिस पे कार्य हो रहा है ना, और अदर वर्ड्स आ जाएंगे उसके साथ में। तो यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यस प्लस एसईएस लगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जॉन गोज टू द जिम डेली, जॉन रोजाना जिम जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम सेंटेंस को अगर देखें तो जॉन क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, राइट, गोज, गो फर्स्ट फॉर्म में है और उसके साथ में क्या लगा है, ईएस, गो वर्ब है हमारा, यहाँ पर गो क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और उसके साथ में ईएस लगा हुआ है, बहुत इजी है पहचानना। टू द जिम ऑब्जेक्ट है, डेली अदर वर्ड्स, सो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो रोज जाता है ना, रोज रोजाना जिम जाता है। शिल्पा रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, शिल्पा रोजाना अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो यहाँ पर शिल्पा, आप देखिए शिल्पा क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स, रीड फर्स्ट फॉर्म में है और उसके साथ में एस लगा हुआ है, तो रीड्स हो गया। द न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बहुत इजी है इसको पहचानना, ठीक है। आई डू माई वर्क, बहुत इजी है। आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू, यहाँ पर एस और यस नहीं लगा है, पर वर्ब की क्या दी गई है, यस, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं रोज करता हूँ, कब तक करूंगा ये पता नहीं है, इसलिए इंडेफिनिट है। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, चिड़िया को यहाँ पक्षी लिख सकते हैं, पक्षी आसमान में उड़ता है या पक्षी
आकाश में उड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। द बर्ड इज अ सब्जेक्ट, फाइन। फ्लाइज क्या है, वर्ब है ना, और फ्लाई होता है और उसके साथ में ईएस लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस लगा हुआ है, इन द स्काई, फाइन, आकाश में उड़ रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जितने आप एग्जाम्पल्स करोगे ना उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। शी प्रीफर्स कॉफी टू टी, शी प्रीफर्स, कैसे पहचाने, शी तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्रीफर्स, प्रीफर और एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, कॉफी ऑब्जेक्ट हो गया, कॉफी एंड टी, तो यहां वो चाय की जगह कॉफी ज्यादा पसंद करती है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप रिवाइज कर सकते हो। यस, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, ऑब्जेक्ट यहां पर अदर वर्ब। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, ओके, वी वॉच मूवी, ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वी वॉच मूवी इन सिनेप्लेक्स, हम सिनेप्लेक्स में फिल्म देखते हैं। अब यहां पर आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, यस कमेंट करके बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू द ऑफिस डेली, बहुत इजी हो गया, वो रोजाना ऑफिस जाता है, ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईएस लगा हुआ है उसके साथ में, टू द ऑफिस डेली, राइट, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, वो रोजाना ऑफिस जाता है। ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट टॉक, सॉरी, ठीक है, ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता है, देखो ता भी लगा हुआ है यहाँ पर, आप पहचान सकते हो, है ना, जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसे आता है, ही डज नॉट टॉक, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डू जो है वो वर्ब है, उसके साथ में ईएस लगा हुआ है, नॉट टॉक, फाइन, समझ में आ गया आपको। एक और एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन होंडा कंपनी, यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क्स, वर्क वर्ब है, उसके साथ में एस लगा हुआ है और होंडा कंपनी इज ऑब्जेक्ट, सो यो ही वर्क्स इन अ कंपनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर भी। गरिमा राइट्स पोएट्री, गरिमा राइट्स पोएट्री, यस, यहाँ पर मैं इसको सिक्स्थ बना देती हूँ, ठीक है, गरिमा राइट्स पोएट्री, अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, तो ये आज इतना हमने समझा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे, ठीक है, वैसे ही पूरा डेफिनेशन स्ट्रक्चर सारा कुछ उसका देखेंगे, तो पहले क्लास वन क्लास टू अच्छे से रिवाइज करिए, फिर कल हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लास थ्री। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, तो अगर आपको है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।